अस्सलाम वालेकुम। किताब स्टोरीज चैनल में नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। जब एक लड़की की नई नई शादी होती है और उसकी शादी की पहली रात होती है, तो वह इन खूबसूरत लम्हात को अपने शोहर के साथ गुजारना चाहती है। लेकिन मैं ऐसी अजीब दुल्हन थी जिसे अपनी शादी की पहली रात अपने शोहर के साथ नहीं बल्कि अपने देवर के साथ गुजारनी पड़ी। मैं अपने नए घर के नए कमरे में सज संवर कर बैठी हुई थी और अपने शोहर मकसूद का इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, फिर अपनी मोहब्बत बड़ी बातों से मेरे कानों में रस घोलने लगे तो मैं खुशी से सरशार हो गई। मेके में मैं अपनी चाची के घर रहती थी और चाची के मजालम से तंग थी और मुझे इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था कि कब मेरी शादी हो और मैं इस जहन्नम से निकल आऊँ। फिर किसी शादी में मकसूद ने मुझे देखा और पसंद किया और रिश्ता भेज दिया। मेरी चाची ने फ़ौरन हामी भर ली। यूं मेरी शादी मकसूद से हो गई और आज मेरी शादी की पहली रात थी। मुझे मकसूद और इनके घर वालों के मतलब कुछ भी मालूम नहीं था, सिर्फ मैंने इनकी तस्वीर देखी थी। इनके ख़ानदान में कौन कौन था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। चाची ने इसीलिए जल्दी में शादी की। मकसूद और इसकी अम्मी ने कहा था कि इन्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए, दो जोड़े में लड़की को रुखसत कर दें। मेरी चाची इस बात से बहुत खुश हो गई थी। इन्होंने सोचा जहेज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर चाचू हयात होते तो वो ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ देकर ही रुखसत करते। अभी मकसूद मेरे हुसन की तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर रहे थे और मैं तो जैसे हवाओं में थी। उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि अब मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, मैं इस जहन्नम से निकल आई हूँ। अभी इस खूबसूरत लम्हे को चंद सायतें ही गुजरी थीं कि दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई तो मेरा दिल दहल गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर कोई आफत आ गई है और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा है। मकसूद ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। इन्होंने मकसूद से कहा कि इसके छोटे भाई यानी मेरे छोटे देवर के सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी सास का इतना कहना था कि मेरा शोर फ़ौरन भागते हुए अपने छोटे भाई के पास गया। मैं परेशान होगी कि वह ऐसा कैसे कर सकते थे। मैं इनकी दुल्हन थी और अभी हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर किस तरह से अपने भाई के पास जा सकते थे, जबकि इसका ख्याल रखने के लिए इसकी वालदा मौजूद थी। मैं मायूसी से मकसूद की वापसी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मकसूद आए। इनके हाथ में एक शीशी थी जिसमें शायद सरसों का तेल था। इन्होंने वो शीशी मुझे थमाते हुए कहा कि मेरे छोटे देवर के सर में बहुत दर्द है और मैं फ़ौरन जाकर इसके सर की मालिश करूँ। मकसूद की यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी और वो मुझे मेरे छोटे देवर की खिदमत पर मामूर कर रहे थे। ये भला क्या तरीका था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं कुछ बोल ना सकी। मैं तो पहले ही एक कमज़ोर लड़की थी, अपना दिफा नहीं कर सकती थी, अपने हक में नहीं बोल सकती थी। आज तो इस घर में मेरा पहला दिन था। मैं बस फटी फटी आँखों से मकसूद को देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, जो कहा है वो करो, मेरे भाई को तकलीफ़ है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो थोड़ी देर पहले जो मोहब्बत बड़ा लहजा था वो अचानक गुस्से में तब्दील हो चुका था। इनका ये रवैया देखकर मेरा दिल डूब गया। मुझे इसी पर महसूस हुआ था कि एक जहन्नम से निकलकर दूसरे जहन्नम में आ गई हूँ। मरती क्या ना करती, मुझे शोहर के हुक्म की तामील करनी थी और इसी मकसद के लिए मैं अपने छोटे देवर जिसका नाम जुनेद था इसके कमरे में गई। मैंने देखा वो अपने सर को थामे हुए नीचे कलीन पर बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जुनेद ने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। वो 18 साल का एक खूबसूरत लड़का था जिसकी आंखें नीचे सुरख थीं, जैसे कि किसी नशे इंसान की होती हैं। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे इस पल इसकी आंखों से अजीब सा खौफ महसूस हुआ और इससे भी अजीब वो नज़र थी जिस नज़र से वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं दुल्हन के लिबास जेवरात से आरास्ता इसके सामने खड़ी थी और यह मंजर मेरे लिए बेहद तकलीफ़देह था। जिस इंसान के लिए मैं आज सजी संवरी थी, इस इंसान ने मुझे अपने भाई के कमरे में भेज दिया था और मैं बिल्कुल बेबस थी। मैं फिर से वापस पलट गई और अपने शोहर से कहा कि मेरे साथ कमरे में बैठ जाएं ताकि मैं आपके भाई के सर की मालिश कर सकूँ। तो वो आगे से गुस्सा हो गए। इन्होंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। मकसूद की बात सुनकर तो मेरी आंख भर आई थी। खैर, मैं अपनी सास के कमरे में चली गई और इन्हें कहा कि मुझे आपके छोटे बेटे के सर की मालिश करनी है, आप मेरे साथ चलें। आप कमरे में बैठी रहें, मैं मालिश करती हूँ इसके सर में।
मैंने फरमाबरदारी से कहा तो मेरी सास हत्थे से उखड़ गई। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा आवारा है, बदमाश है, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करेगा जो तुम मुझे वहां लेकर जाना चाहती हो? मेरा बच्चा बहुत ही सादा और शरीफ इंसान है, बस इसके सर में अक्सर दर्द रहता है और इसकी हालत गैर हो जाती है। फिर मालिश करने से इसका सर सही हो जाता है, लेकिन आज मेरे हाथों में दर्द है। मैं थक गई हूँ शादी के हंगामों से। आज अगर तुमने इसके सर की मालिश कर दी तो कुछ गजब ना हो जाएगा। मेरे सास की बात सुनकर तो मेरा दिल कट कर रह गया था। बादल ना खास्ता मैं देवर के कमरे में एक बार फिर से आ गई। मैं ऊपर बेड पर बैठ गई, वो नीचे बैठा हुआ था। मैंने होले से अपनी हथेली में तेल भरा और इसके सर की मालिश शुरू कर दी। इसकी हालत देखकर वाकई लग रहा था कि इसे शदीद किस्म का सर दर्द है, और मेरे मालिश करने से इसकी तकलीफ में काफ़ी कमी आ रही थी। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अपनी शादी की पहली रात मैं सज संवर कर एक नामहरम के साथ बैठी हुई थी। शायद मुझसे ज़्यादा बदनसीब दुल्हन कोई गुजरी होगी। मैं थोड़ी देर मालिश करती रही, फिर उठकर खड़ी हुई और जाने लगी तो मेरे छोटे देवर ने एकदम से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तो मेरी तो रूह फना होने लगी थी इसकी सरकत पर। भाभी, आपके हाथों में बहुत शफा है, मेरे दर्द में बहुत कमी आ गई है, थोड़ा और मालिश कर दें, मेरे देवर ने कहा। तो मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा, फिर मजबूरन मैं बैठ गई। ना जाने कितनी देर तक मैं इसके सर की मालिश करती रही, यहाँ तक कि वो सो गया। इसे बैठे बैठे ही नींद आ गई थी और वो बेड के किनारे पर ही सो गया था। मैंने सोचा शुक्र है, अच्छा मौका है, मैं अब यहाँ से निकलती हूँ। जैसे ही मैं उठी तो मेरी शादी का लहंगा इसके पैरों थले फंस चुका था। मैं फिर से परेशान हो गई, अगर मैंने थोड़ी सी हलचल की तो ये जाग जाएगा और फिर से मुझे इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। अगर मेरे वालदैन जिंदा होते और मेरा कोई मेका होता तो मैं ज़रूर वापस चली जाती इसी वक्त। लेकिन मेरे तो पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक चाची थी जिन्होंने मुझे निकाल दिया था और अब वो मुझे वापस नहीं रखने वाली थी। जो भी था, अब मुझे इस घर में गुजारा करना था, यही मेरा घर था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपना लहंगा सरकाया और कामयाबी से बिना कोई शोर किए वहाँ से निकल आई। मैं अपने कमरे में आई तो मेरे शोहर मकसूद सो चुके थे। इन्हें इस तरह से सोता हुआ देखकर मैंने भी लिबास तब्दील किया और मैं भी सो गई। मेरी शादी की पहली रात ही सिर्फ अजीब नहीं थी बल्कि पहला दिन भी अजीब ही था। इसी दरवाजे के शोर से मेरी आँख खुली। मेरी सास साहिबा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फ़ौरन अपने देवर के लिए नाश्ता तैयार करूँ, इसे दवाई लेनी है। मजबूरन मैं किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा सबसे पहले अपने शोर को नाश्ता दे दूँ। मैं नाश्ता लेकर मकसूद के पास आई तो इन्होंने पूछा कि तुमने जुनेद को नाश्ता दिया है? मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा पहले आपको नाश्ता दे दूँ फिर बाकी सबको। मेरी बात सुनकर मकसूद एक बार फिर से मुझ पर बरहम हो गए और बोले कि इस घर में सबसे पहले हर चीज़ जुनेद को मिलती है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर कहीं भाग जाऊं। अगर मेरे पास कोई ठिकाना होता तो मैं ज़रूर भाग जाती, लेकिन मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं था। इन्होंने जैसा कहा मैंने ऐसा ही किया। मैंने सबसे पहले जुनेद को नाश्ता दिया, फिर अपने शोहर और अपनी सास को। मुझे भी ज़ोरों की भूख लग रही थी। मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था, किसी को एहसास नहीं था और किसी ने पूछने की जहमत भी नहीं की थी कि दुल्हन ने खाना खाया या नहीं। इसलिए मैं किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और जम कर खाया। ज़िंदगी यूं ही रवा दवा थी। इस घर के मकीनों की जहनीत समझने में मुझे मुश्किल पेश आ रही थी कि ये किस तरह के लोग हैं। कभी इतने मेहरबान हो जाते थे कि इंतहा कर देते थे, लेकिन जब गुस्सा करते तो फिर लगता ही नहीं कि ये वही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस घर में मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरा छोटा देवर मेरे लिए मसला बनता जा रहा था। मेरे शोहर और मेरी सास ने इसे हाथों का छाला बनाकर रखा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास के सारे काम मुझे सौंपती रही, इसके कपड़े धोना, इसके कपड़े इस्त्री करना, इसको खाना देना। मुझे कहती थी कि मैं अपने शोहर से पहले अपने देवर के सारे काम करूं, और मेरा शोहर भी यही कहता था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इस घर में मकसूद के लिए नहीं बल्कि जुनेद के लिए लाई गई हूं, और जुनेद एक ऐसी पहेली था जो मुझसे हल नहीं हो पा रहा था। सुरख आंखों के साथ वो दराज कद खूबसूरत सा लड़का अंदर किस किस्म की शख्सियत रखता था, ये समझने में मैं बिल्कुल कासिर थी। मेरे दिल में इसी का खौफ बैठ गया था। जो इंसान बोलता नहीं सिर्फ देखता है, वो यकीनन खतरनाक होता है। जुनेद भी कोई बात नहीं करता था मुझसे, सिर्फ मेरी तरफ देखता रहता था।
मैं इसकी नज़रों को समझने की कोशिश करती थी कि इसकी नज़रों में क्या था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। वो सारा दिन घर में होता और सारी रात बाहर रहता, और इस बात का इसके घर वालों को इलम नहीं था। सिर्फ मैं जानती थी कि वो दीवार फैलाकर रोज़ाना रात को जाता है और फिर सुबह अजान से पहले वापस आता है। कुछ दिनों में मैं समझ गई थी कि इसकी सोहबत अच्छी नहीं है और वो नशा करता है। एक दिन अचानक ख़ानदान में किसी फोतगी की वजह से मकसूद और मेरे सास को शहर से दूर जाना पड़ा और मैं इस रात जुनेद के साथ घर में अकेली थी। वो लोग सुबह को गए थे, मैंने सारा दिन घर के काम निपटाए। इस वक्त मुझे खौफ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई मेरा दिल डूबता गया। हमारे घर का किचन खुला था, यानी लाउंज और किचन अमेरिकन तर्ज का था, जिसकी वजह से लाउंज में बैठने वाले लोगों को किचन में काम करने वाले आसानी से नज़र आते थे। मैं रात का खाना बनाने में मशगूल थी और जुनेद लाउंज में बैठकर टीवी देख रहा था। मैंने महसूस किया कि इसकी नज़रें बार बार मेरे हाथों की तरफ जा रही हैं। मेरा दिल किसी पत्ते की मानद लड़सने लगा। मैंने खाना बनाकर इसके सामने रखा तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। खौफ के मारे मेरी जान जा रही थी। मैंने अपनी आंखों में हैरत समोए इसकी तरफ देखा सवालिया नज़रों से। भाभी, तुम कितनी प्यारी हो, आपने ये दोनों कंगन मुझे दे दो। प्लीज़ भाभी, इनकार मत करना, मुझे बहुत ज़रूरत है, जुनेद ने मेरा हाथ पकड़े हुए कहा। इसने मेरा हाथ मजबूती से थामा हुआ था कि मुझसे छुड़ाया नहीं जा रहा था। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझसे कंगन मांगे थे, वरना मुझे तो इससे अपनी इज्जत का खौफ था। मैंने फौरन दोनों कंगन उतार कर इसकी झोली में फेंक दिए और अपने कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे यही उम्मीद थी कि वो मुझे तनहा पाकर कोई गलत डिमांड करेगा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसने कंगन की फरमाइश की। कंगन देना मेरे लिए आसान था बनिस्बत अपनी इज्जत के। सुबह को मेरे शौहर मकसूद और मेरी सास वापस आ गए। सुबह को तो मेरी सास ने नोट नहीं किया, लेकिन रात को जब मेरे हाथों में कंगन नहीं देखे तो पूछा कि कंगन कहाँ गए, तो मैंने साफ बताया कि जुनेद ले गया। मेरी सास को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि जुनेद तुम्हारा कंगन क्यों लेगा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इतने में मकसूद भी आ गए। इन्होंने पूछा मेरी सास से कि क्या माजरा है, तो मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी बीवी मेरे बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने मकसूद से कहा कि मैं चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रही, सिर्फ अम्मा को ये बता रही हूँ कि जुनेद ने मुझसे कंगन लिए और मैंने इसे दिए। मेरी बात सुनकर मकसूद को भी गुस्सा आ गया और इन्होंने भी यही कहा कि जुनेद तुमसे क्यों कंगन मांगेगा, इसके पास किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो जुनेद को बुलाकर पूछ लें। तो इन्होंने जुनेद को आवाज़ दी, जुनेद क्या ये सच कह रही हैं, क्या तुमने इससे कंगन मांगे हैं। मेरी सास ने अपने बेटे से सवाल किया तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसके इस तरह इनकार पर तो मैं हैरान हो गई, वो झूठ क्यों बोल रहा था, बिला वजह मुझे झूठा साबित कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाते हुए, मकसूद ने मुझसे कहा। तो मैंने जुनेद की तरफ देखा और बोली, जुनेद झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने खुद मुझसे कंगन लिए हैं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इस कमरे की तलाशी ले लें, मेरा बेटा चोर है जो इसके कमरे की तलाशी लूँ, मेरी सास ने फौरन कहा। लेकिन मकसूद ने कहा कि हमें जुनेद के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। मकसूद की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया कि कम अज़ कम इन्होंने मेरा साथ तो दिया। ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बीवी को सही साबित करने के लिए अपने भाई को गिरा रहे हो सबकी नज़रों में, मेरी सास ने मकसूद से कहा। मैं बीवी को सही साबित नहीं कर रहा, बल्कि अपने भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए कह रहा हूँ कि कमरे की तलाशी लें, ताकि मेरी बीवी को तसल्ली हो जाए कि मेरा भाई चोर नहीं है। मकसूद की ये बात सुनकर मुझे फिर मायूसी हो गई। मुझे लगा वो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन नहीं, वो तो अपने भाई के दिफा में ऐसा कर रहा था। खैर, मकसूद ने जुनेद के कमरे की तलाशी ली तो कंगन कहीं नहीं मिले। इसने ज़रूर कंगन अपनी चाची को दिए हैं, यह अपने मेके वालों को सपोर्ट कर रही है। मेरी सास ने दूसरा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया तो मैं सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने जुनेद की तरफ देखा जो मेरी हालत का मज़ा ले रहा था। वो सोफे पर टांग रख के बैठ गया और मेरी तरफ देखे जा रहा था हमेशा की तरह। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कंगन किसी को नहीं दिए, सिर्फ जुनेद को दिए थे, इसी के पास हैं। अब आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे तो ये मेरा मसला नहीं है, मैंने कहा। तुम्हें पता है वो कंगन कितने महंगे थे, मैंने कितनी चाहत से तुम्हारे लिए बनवाए थे और तुमने अपने मेके वालों को दे दिए। मकसूद को गुस्सा आ गया और इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालना चाहा। मैं अपना हाथ छुड़ाने लगी
मैं इनसे कह रही थी बाहर बहुत बारिश है, मेरे साथ ऐसा सलूक मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह मकसूद का गुस्सा अरूज पर था। इन्होंने बरसती बारिश में मुझे घर से हाथ पकड़कर बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं अब हैरत से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला, जुनेद मेरे पास आया। माफ़ करना भाभी, मुझ पर कर्जा चढ़ गया था, मजबूरन ऐसा करना पड़ा, जुनेद ने मुझसे कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। अम्मा भाई, भाभी की पहली और आखिरी गलती समझकर इन्हें माफ़ कर दें। इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मैंने इन्हें माफ़ किया। आप लोग भी इन्हें माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहता कि आप इन्हें इस तरह से घर से निकाल दें। जुनेद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता था कि जुनेद कहता और वो लोग ना मानते। इस घर में सिर्फ जुनेद की ही चलती थी, इसी की अहमियत थी, इसकी हर बात हरफ आखर थी, लोहे पर लकीर थी। इसके कहने पर मकसूद मुझे दोबारा घर में रखने पर तैयार हो गए और मुझे कहा कि मुझे जुनेद का एहसानमंद होना चाहिए। फिर ये सिलसिला चल निकला। आए दिन जुनेद कोई ना कोई मसला मेरे लिए खड़ा कर देता और मैं अपनी सफाइयाँ देते रह जाती, लेकिन मेरे शोहर और मेरी सास मेरा यकीन ना करते। जुनेद मेरे लिए वबाले जान बन चुका था। मैं समझ गई थी कि मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। तो वो मुझे चूंटी समझ रहा था जिससे मसलना आसान था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यही चूंटी हाथी के नाक में घुस जाती है और इसे जान से भी मार देती है। जब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई तो मैंने अपने जहन में एक प्लानिंग तरतीब दी। आज तक जुनेद जो नाइंसाफ़ी मेरे साथ करता रहा था और इसकी वजह से मैं इस घर में जलीलो ख्वार होती रहती थी, इन सारे हिसाबों को चुकता करने का अब वक़्त आ चुका था। मुझे इस घर में आए हुए एक साल का अरसा गुजर चुका था और मैं खुद भी दीवानी हो चुकी थी। इस घर में अब या तो मैं रह सकती थी या फिर जुनेद। मकसूद को मुझसे मोहब्बत थी, वो मेरा ख्याल भी रखते थे, लेकिन जब बात जुनेद पर आ जाती थी तो इन्हें कुछ नज़र नहीं आता था। मेरी सास और मकसूद दोनों जुनेद के जहनी गुलाम बनकर रह गए थे और ये सब क्यों था मैं समझ नहीं पा रही थी। जुनेद ने मुझे इस कदर जहनी अजियत में मुबतला कर रखा था कि मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और मैं वही करने वाली थी अब इसके साथ। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक रात मैं आराम से उठकर अपने कमरे से बाहर निकली और जुनेद के कमरे में आ गई। रात के इस पहर वो मुझे देखकर हैरान रह गया। इसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जुनेद, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं कहते हुए फ़ौरन इससे लिपट गई तो वो हैरत के समंदर में गोताजन हो गया। मैं जानती थी कि मकसूद मुझे कमरे से निकलते हुए देख चुके हैं। वो सो रहे थे लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जाग गए थे और यकीनन वो मेरे ताकुब में आते ही होंगे। जुनेद ने मुझे खुद से अलग करने के लिए मेरे शानों पर हाथ रखा ही था कि मकसूद अंदर दाखिल हुए। ये क्या हो रहा है, मकसूद ने गुस्से से कहा और एक ज़ोरदार थप्पड़ जुनेद के मुँह पर रसीद किया और फिर मुझे मारना शुरू किया। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, मकसूद मुझे मारता हुआ कहता जा रहा था। और फिर वो जुनेद की तरफ पलटा और तुम मेरे भाई होकर मेरी पीठ पर छुरा घूमते रहे। मेरी बीवी पर बुरी नज़र रखी तूने, इसके साथ एक ही घर में रहते हुए चक्कर चलाया, कब से चल रहा है ये सब, मकसूद ने चलाते हुए जुनेद से कहा। तो मेरी सास शोर सुनकर आ गई। क्या हो रहा है ये सब, क्यों लड़ रहे हो तुम मेरे बेटे से, मेरी सास ने जुनेद की तरफदारी करते हुए कहा, जैसे कि वो इनका वाहिद बेटा और मकसूद इनका कुछ नहीं लगता। आपको नहीं पता आपके बेटे ने मेरी इज्जत पर हमला किया है, मेरे ही घर में रहते हुए मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रखा है इसने, मकसूद ने गुस्से से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद मेरे पास आई थी, मुझसे कहने लगी कि मुझसे मोहब्बत करती है। जुनेद हड़बड़ा गया और बोला, पहली बार मैंने इसे परेशान देखा था, इसकी हालत ऐसी ही थी जैसी मेरी हुआ करती थी हर बार इल्ज़ाम लगने पर। इसे यूं परेशान देखकर मेरे दिल को सुकून सा मिल रहा था। ये झूठ बोल रहा है मकसूद, इसकी हमेशा से मुझ पर बुरी नज़र थी, इससे मालूम था कि आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए यह मुझे धमकी देता था कि मैं आपसे तलाक लेकर इससे शादी करूँ वरना यह मुझे बदनाम कर देगा। इसीलिए हर बार ये मुझ पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे आप दोनों की नज़रों में गिरा देता था और आप लोग मेरा यकीन नहीं करते थे। आज भी इसने मुझसे कहा कि अगर मैं इसके पास नहीं आई तो ये मुझे घर से निकलवा देगा, आपसे झूठ बोलेगा कि मेरा आपके दोस्त के साथ अफेयर है, और ये जानता था कि आप और आपकी माँ इसका यकीन करेंगे, मेरा नहीं। इसलिए मैं खौफजदा हो गई थी और मजबूर हो गई थी इस इंसान के सामने।
मैंने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा। तो जिनेद ने हैरत से मेरी तरफ देखा। वो यकीनन यही सोच रहा था कि मेरे अंदर इतनी दीदा दलेरी कहाँ से आ गई। मेरी हैरत की इस वक्त इंतहा न रही जब इतने सालों में पहली बार मकसूद मेरी हमायत में बोले, तुम मेरी बीवी को धमकियां देते रहे, इससे कहते रहे कि मुझसे तलाक लेकर तुमसे शादी कर ले। तुम इतना गिर सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था, तुमने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का, मकसूद ने गुस्से से कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाना चाहा। पहले तो मुझे लगा कि वो हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल मैं समझ गई कि इन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। अम्मा, मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता जहाँ मेरी इज्जत को खतरा हो, मकसूद ने कहा और मुझे कहा कि सामान बांधो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी, मुझे लगा कि मेरा यकीन आज भी नहीं किया जाएगा। कितनी अजीब बात थी, जब मैं सच बोलती थी तो कोई मेरा यकीन नहीं करता था, और आज मैं झूठ बोल रही थी और फौरन मेरा यकीन कर लिया गया था। मैंने फौरन अपना सामान बांधा और आधी रात को मकसूद मुझे लेकर घर से निकले। मेरी सास मकसूद की मिन्नतें करती रही कि घर छोड़कर ना जाओ, और मैं समझ रही थी कि ये मिन्नतें वो मकसूद की मोहब्बत में नहीं कर रही हैं, बल्कि मकसूद इनका कमाऊ बेटा है और इसकी तनख्वाह से ये घर चलता है। जुनेद तो किसी काम का नहीं, अगर मकसूद घर छोड़कर चला गया तो इन दोनों माँ बेटे के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा। मकसूद ने इनकी ये एक न सुनी और वो मुझे लेकर अलग हो गए। वो रात तो हमने मकसूद के एक दोस्त के घर गुजारी थी। इसके बाद मकसूद ने किराए पर घर ले लिया और हम दोनों वहाँ पर रहने लगे। मकसूद ने मुझे बताया कि जुनेदी इसका सौतेला भाई है और इसकी माँ सौतेली माँ है। इसकी माँ ने हमेशा ही इसे कहा था कि जुनेद को प्यार देना। मैंने जुनेद को बेहद मोहब्बत दी, इसका ख्याल रखा, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया था कि वो गलत सोहबत में है। लेकिन मैं अपनी माँ के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। शुरू में मुझे लगता था कि मेरी माँ को मुझसे मोहब्बत है और इन्होंने वाकई मुझे बहुत मोहब्बत दी थी, लेकिन यह मोहब्बत सिर्फ मतलब के लिए थी। इन्हें असल मोहब्बत अपने ही बेटे से थी, लेकिन मैं इन्हें खर्चा दिया करता था जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे कहती थी कि जुनेद का भी ख्याल रखो। वो जानती थी कि जुनेद कभी कोई नौकरी वगैरह नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने जुनेद की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और मैं वही करता रहा जो मेरी माँ कहती रहीं। मुझे इन दोनों की मोहब्बत सच्ची लगती थी, लेकिन एक रात मैंने इनकी बातें सुन ली। वो जुनेद से कह रही थी कि शमाइला पर इल्ज़ाम लगाते रहो ताकि वो मकसूद की नज़रों में गिर जाए और मकसूद के दिल में इसके लिए जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शमाइला मकसूद को लेकर यहाँ से चली जाए और हमारा दाना पानी बंद हो जाए। अम्मा ने यह भी जुनेद से कहा कि मकसूद से मोहब्बत हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इसका खा रहे हैं। अगर मकसूद ने हमें छोड़ दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर मकसूद ने शमाइला की मोहब्बत और इसकी बातों में आकर हमें छोड़ दिया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि शमाइला इस घर में एक नौकर की तरह रहे तो अच्छा है। इस घर के काम काज भी करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, हमें समझो मुफ्त की नौकरानी मिली है और मुफ्त का कमाने वाला बेटा भी। बस इन दोनों मियाँ बीवी को बेवकूफ़ बनाते जाओ। अम्मा और जुनेद की यह गुफ्तगू सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई थी। मुझे सारी बात समझ में आ गई और मुझे तुम्हारा दुख हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ इनकी बातों में आकर इतना बुरा सलूक किया। और इसके अगले दिन ही ये वाकया पेश आया तो मैं समझ गया कि तुम भी हालात की मारी हुई हो। मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मैं ये भी समझ गया था कि तुम मजबूरी में ये सब कर रही हो। उन लोगों ने तुम्हें इस कदर पागल बना दिया था कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मौका का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकल आया। अब वो दोनों जाने और इनका काम, मकसूद की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। इन्हें मुझसे भी ज़्यादा हकीकत का इलम हो चुका था और ये बात मेरे लिए खुशी का बायस थी। हम दोनों ने नए घर में नई ज़िंदगी की शुरुआत की और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं।